Hi guys, this is Geeta. Welcome back to my channel. So today I'm going to show you guys my recent Saroji Nagar bottom wear collection. So recently मैंने अभी सरोजी नगर विजिट करा था एंड मैंने वहाँ से काफ़ी सारे बॉटम वेयर्स लिए हैं. इसके साथ साथ मैंने थोड़ी और भी शॉपिंग करी थी, लेकिन आई रियली वॉन्टेड टू मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन माई बॉटम वेयर्स बिकॉज आप लोगों को मेरे बॉटम वेयर्स काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं एंड इवन मेरे को काफ़ी सारे क्वेश्चन भी आते हैं कि आपका वेस्ट साइज़ क्या है और आप कहाँ से शॉपिंग करते हो अपने बॉटम वेयर्स की. सरोजी नगर में कौन कौन सी शॉप्स है जहाँ पर आपको बेस्ट बॉटम वेयर्स मिल सकते हैं, जीन्स मिल सकती है. सो आई एम गोना आंसर ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस इन दिस वीडियो. सो प्लीज़ मेक श्योर आप ये वीडियो एंड तक देखो ताकि आप लोगों को सारी अपडेट्स मिल सके. ऑल्सो मैं आपको सारी लेटेस्ट अपडेट्स भी दूंगी सरोजी नगर मार्केट की कलेक्शन के ऊपर, जो इस टाइम पे कलेक्शन उनकी अभी आ रखी है. एंड डोंट वरी, आई विल ड्रॉप ऑल द शॉप नंबर्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी ज़रूर देखो. सो या विदाउट एनी फर्दर एडियो, लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, सो इस वीडियो में मैं आपको थोड़े ट्राउजर्स एंड थोड़ी जीन्स कलेक्शन दिखाऊंगी एंड द बेस्ट पार्ट इज एवरीथिंग इज अंडर 200 रुपीज़ एंड आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने सारे जो बॉटम वेयर्स हैं वो 200 के अंडर ही लिए हैं. सो द फर्स्ट ट्राउजर दैट आई बॉट फ्रॉम सरोजनी इज दिस ब्राउन वन. सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. इट्स अ प्रॉपर ब्राउन कलर ट्राउजर एंड ये देखते ही मुझे इतना ज़्यादा पसंद आ गया था. और कभी कभी ऐसा होता है कि आपको इंस्टेंटली ना एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लिक कर जाती है एंड लकीली ये मेरी साइज में भी था, एकदम परफेक्टली मुझे फिट आ रहा है. आप ट्राई ऑन में भी देख सकते हो कि मेरे को कितने अच्छे से फिट आ रहा है एंड ये प्रॉपर हाई वेस्टेड है एंड आई रियली लव हाई वेस्टेड ट्राउजर्स बिकॉज वो आपको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील कराते हैं. और इसको देखते ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि मेरे को कुछ अगर नहीं मिला उस शॉप से तो मैं डेफिनेटली इसको ज़रूर पिक करूँगी बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से वर्सेटाइल पीस है. आई कैन वेयर इट विद एनी थिंग. मैं इसको समर्स के साथ साथ विंटर्स में भी बहुत अच्छे से यूज़ कर सकती हूँ और इसको देखते ही मुझे ऐसा लगा कि मैं इसको बहुत तरीके से स्टाइल कर सकती हूँ. इसको मैं कोई भी ब्लैक कलर के टैंक टॉप के साथ पेयर अप कर सकती हूँ विद स्नीकर्स और फ्लैट्स और हील्स एज वेल. और मैं इसको विंटर्स में भी बहुत अच्छे से यूज़ कर सकती हूँ और उसके साथ कोई स्वेटशर्ट डाल ली और उसके नीचे कोई स्नीकर्स डाल लिया या हील्स डाल ली, ओवरऑल मेरा पूरा लुक बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगेगा. सो इस ट्राउजर को मैंने परचेज करा है गुफा लेन से, जो एकदम अब्रॉल सन के ऑपोजिट में है एंड पूरी मार्केट में सबसे ज़्यादा यूनिक पीसेस भी उन्हीं के पास होते हैं. इट्स जस्ट कि वो अपना जो प्राइस बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई होता है एंड आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा बार्गेनिंग करनी पड़ती है. सो या मेरे को ये ट्राउज़र भी वहीं से मिला था एंड दिस इज़ अ बैक. सो इसका जो क्लोजर है आगे जिपर क्लोजर है, इसके आगे कोई भी बटन नहीं है. सो यहाँ पे जिपर क्लोजर दे रखा है और इसके अंदर यहाँ पे दो पॉकेट्स भी दे रखे हैं तो मैं अपना इजीली अपना सामान रख सकती हूँ. और इसका जो नीचे से स्टाइल है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लेयर वाला है विच इज़ वेरी गुड एंड आई एम रियली लविंग इट. सो आई बॉट दिस ट्राउजर फॉर 200 रुपीज़ ओनली. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ट्राउजर एंड आई बॉट दिस पाउडर ब्लू ट्राउजर. सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक. इट्स सच अ ब्यूटिफुल कलर. सो ये जो ट्राउजर है वो थोड़ा सा मुझे मिड वेस्ट सा लग रहा था, लेकिन मैंने जब इसको ट्राई करा तो ये मेरे को काफ़ी अच्छी लेंथ में आ गया था. मैं ये नहीं बोल सकती कि इट्स अ प्रॉपर हाई वेस्ट ट्राउजर, बट अकॉर्डिंगली मुझे ये काफ़ी अच्छे से फिट हो रहा है. और इसका जो वेस्ट है वो मिड वेस्ट एंड हाई वेस्ट के थोड़ा सा बीच में है विच इज़ परफेक्ट फॉर मी. मेरे को एकदम ऐसे टाइप के ही ट्राउजर बहुत ज़्यादा पसंद है. बट मुझे इसमें एक ड्रॉबैक मिला कि यहाँ पे कोई बटन नहीं दे रखा है, बस यहाँ पे जिपर पार्ट दे रखा है. इसका हुक वाला क्लोजर था लेकिन यहाँ पे हुक नहीं है एंड मुझे इसमें लगवाना पड़ेगा. लेंथ वाइज ये बहुत ज़्यादा परफेक्ट है. मैं इसके साथ कोई भी हील्स पहन सकती हूँ, इवन मैं इसके साथ बहुत ज़्यादा कलर ब्लॉकिंग वाले आउटफिट्स क्रिएट कर सकती हूँ. सो दैट्स व्हाई आई पिक दिस अप एंड मुझे ऐसे पेस्टल कलर्स बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं इसको बहुत अच्छे से विंटर्स में यूज़ कर सकती हूँ और बहुत सारे कलर ब्लॉकिंग वाले आउटफिट क्रिएट कर सकती हूँ. सो ये ट्राउजर मैंने ग्राफिटी लेन को फेस करते हुए, जो राइट साइड में दो स्टॉल्स लगते हैं, फर्स्ट स्टॉल है पजामे वाला और इसके साइड में एक और स्टॉल लगता है, वहाँ पे आपको सारे के सारे ट्राउजर फॉर्मल पैंट्स वाले ट्राउजर्स मिलेंगे. वहाँ पे एक अंकल ने अपना स्टॉल लगा रखा था एंड मुझे सडनली ये वाला ट्राउजर दिखा और मुझे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था कलर. सो मैंने उनका थोड़ा और कलेक्शन चेकआउट करा. सो मुझे एक और ट्राउजर वहाँ से बहुत ज़्यादा पसंद आया है जो मैं आपको इसके नेक्स्ट में दिखाने वाली हूँ एंड आई बॉट दिस ट्राउजर फॉर 150 रुपीज़ ओनली. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ट्राउजर एंड आई बॉट दिस वेरी ब्यूटिफुल पेस्टल ग्रीन कलर ट्राउजर. सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक. इट्स अ ब्यूटिफुल ग्रीन कलर ट्राउजर. सो ये भी मुझे सेम स्टॉल से मिला था. मेरे को ये बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा था. ऐसे कलर्स मेरे पास पड़े नहीं थे बॉटम वेयर्स के अंदर, सो मैंने सोचा कि क्यों ना एक एक्सपेरिमेंट किया जाए जो मैं हमेशा करती रहती हूँ एंड आई पिक दिस वन. एंड इसका जो मटेरियल है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का है एंड आपको ऐसे टाइप के जो ट्राउजर्स के स्टॉल्स हैं वो बहुत जगह पे दिखेंगे सरोजनी के अंदर. अगर आप कोई भी लेन से एंट्री कर लो आपको हर जगह पे ऐसे ट्राउजर्स के स्टॉल्स ज़रूर मिलेंगे
मिलेंगे। सारे जो स्टॉल्स हैं वो आपको काफी ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस में मिलेंगे। इस जस्ट आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करना पड़ेगा एंड एक एक चीज जो है वो अच्छे से देखनी पड़ेगी। सो इस ट्राउजर के अंदर मुझे दो पॉकेट्स मिल रहे हैं जिसके अंदर बहुत ज्यादा अच्छा स्पेस है एंड आगे से जो क्लोजर है वो हुक वाला क्लोजर है, बिल्कुल भी डिफेक्ट नहीं है, पूरे ट्राउजर में एकदम परफेक्ट है। सो प्लीज मेक श्योर जब भी आप शॉपिंग करते हो सरोजनी से, आप पूरे प्रोडक्ट को अच्छे से देख लो, कोई भी प्रोडक्ट डिफेक्टेड नहीं होना चाहिए। बिकॉज अगर आप कोई पैसा स्पेंड कर रहे हो किसी भी प्रोडक्ट में, सो प्लीज मेक श्योर करो कि आपका जो पूरा प्रोडक्ट है वो एकदम परफेक्ट सिचुएशन में है। और मैं भी अपने प्रोडक्ट्स काफी अच्छे से देखती हूँ, अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट डिफेक्टेड दिखता है तो आप खरीदने के टाइम पे ही बोल दिया करो उनको कि जस्ट इन केस मुझे समझ नहीं आता ये प्रोडक्ट तो हम एक्सचेंज कर सकते हैं या नहीं। सो इस ट्राउजर की जो लेंथ है और इसकी जो फिट है वो एकदम परफेक्ट आ रही है एंड ये एकदम हाई वेस्टेड ट्राउजर है, सो आई एम रियली लविंग इट। और आप लोग इसके अंदर मेरी बहुत सारी स्टाइलिंग्स एंड बहुत सारी पिक्चर्स वीडियोस देखने वाले हो, सो प्लीज स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। एंड अगेन दिस ट्राउजर इज फॉर 150 rupees ओनली। Now we have some jeans and let's start with the first one. So this is the first jeans that I bought from Sarojini recently and I am in love with this. मुझे इसका fit इतना ज़्यादा perfect आ रहा था, मुझे थोड़ा doubtful हो रहा था उस time पे कि ये मुझे आएगी भी कि नहीं आएगी, because ना उस time पे ना आप assumption नहीं लगा सकते हो कि आपको ये fit आएगी या नहीं, so उस time पे मुझे थोड़ा doubt था। लेकिन जब मैंने इसको try करा तो इसकी जो fit है वो इतनी ज़्यादा amazing लग रही थी and ऐसी type की jeans मेरे पास बिल्कुल भी पड़ी नहीं थी, तो मैंने सोचा it's a great one and I'm really really happy with this। इसका जो मटेरियल है वो एकदम परफेक्ट है एंड टू बी वेरी फ्रैंक मुझे ऐसा लगता है कि सरोजनी के अंदर ना आपको बहुत ही अमेजिंग पीसेस मिल जाते हैं एंड आई थिंक जींसेस का जो ट्रेंड इस टाइम पे चल रहा है ना वो हर जगह पर है, स्पेशली सरोजनी नगर के अंदर आपको इतनी ज़्यादा अच्छी वेराइटीज़ मिल जाएंगी बॉटम वेयर्स के अंदर एंड स्पेशली जीन्स के अंदर। आई गेस पहले ना जीन्स इतनी ज़्यादा बिकती नहीं थी और ज़्यादा लोग ध्यान भी नहीं देते थे, लेकिन कुछ टाइम से इसका ट्रेंड इतना ज़्यादा चल रहा है और मुझे इतने ज़्यादा अमेजिंग पीसेस दिख जाते हैं जीन्सेज में सरोजनी के अंदर। सो मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ी जीन्स ली जाए एंड इसका जो मटेरियल है वो एकदम हाई क्वालिटी का है और ये हाई वेस्टेड भी है, इसका जो स्टाइल है वो एकदम मॉम फिट वाला है। सो या आई रियली लव दिस वन एंड ऐसा कलर मेरे पास था भी नहीं तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको परचेज किया जाए एंड दिस इज द बैक। ओके सो दोज हु डोंट नो, मेरा जो वेस्ट साइज़ है इंडियन साइज़ में वो है 28 एंड मैं हमेशा 28 साइज़ पिक करती हूँ जब भी मैं सरोजनी नगर मार्केट जा रही होती हूँ या फिर मैं कहीं पे भी शॉपिंग करती हूँ ऑनलाइन, तो मैं हमेशा 28 साइज़ ही लेती हूँ एंड ये मेरे को परफेक्टली फिट आता है। और मैं जब भी सरोजनी विजिट करती हूँ तो मैं हमेशा भैया को बता देती हूँ कि भैया मुझे 28 साइज़ चाहिए हाई वेस्टेड जीन्स के अंदर, सो वो सारी कलेक्शन अपनी निकाल के दिखा देते हैं। सो आप अपनी साइज़ जो है वो ज़रूर बताया करो और आप ये भी बता दिया करो कि आपको किस टाइप की स्टाइल्स चाहिए, क्योंकि ना कभी कभी ऐसा होता है कि वो लोग ना अपनी मर्जी से चीज़ें दे देते हैं, हम लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है एक्सचेंज करना। सो या प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपनी प्रेफरेंस पहले बताओ एंड देन जाके शॉपिंग करो। सो आई बॉट दिस जीन्स फॉर 200 rupees ओनली एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट ग्रेट डील एंड मैं सारे जो शॉप नंबर्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, सो प्लीज़ मेक श्योर आप उनको भी ज़रूर चेकआउट करो। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट जीन्स एंड आई हैव दिस वन। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक, इट्स अ प्रॉपर हाई वेस्टेड रिप जीन्स एंड इसका जो कलर था ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था मुझे। सो इसके अंदर ना थोड़ा सा डार्क एंड लाइट ब्लू का मिक्सचर है एंड इसका जो स्टाइल है यहाँ पे थोड़ा रिप वाला है। बेसिकली मैंने इसको बनवाया था क्योंकि यहाँ पे ना भैया ने पैच लगा रखा था, तो मैंने इसको जानबूझ के कटवाया था क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा वियर्ड लग रहा था। जस्ट लाइक दिस यहाँ पे ये पैच लग रखा है, सो मैं इसको भी रिमूव करवाऊंगी नेक्स्ट टाइम मैं जब भी सरोजनी विजिट करूंगी। तो या ओवरऑल मुझे इसका भी स्टाइल एंड इसका जो फिट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था और इस जीन्स का जो मटेरियल है वो भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। सो या इज जस्ट आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लोर करना पड़ेगा एंड थोड़ी थोड़ी वैरायटीज देखनी पड़ेंगी। सो अगेन आई बॉट दिस जीन्स फॉर 200 rupees ओनली एंड आई एम इन द साइज 28। लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट प्रोडक्ट एंड आई हैव दिस जीन्स। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, इट्स अ प्रॉपर फेडेड कलर एंड ऐसे टाइप का कलर मेरे पास अवेलेबल नहीं था। मेरे पास ऑलरेडी डार्क डेनिम्स पड़े हुए हैं, मैं हमेशा डार्क कलर प्रेफर करती हूँ अपने बॉटम वेयर में, सो मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा डिफरेंट ट्राई किया जाए और मेरे पास ऐसे टाइप के वॉश कलर्स नहीं पड़े हुए थे डेनिम्स के अंदर, सो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको पिक किया जाए। एंड अगेन इट्स अ रिप्ड हाई वेस्ट जीन्स एंड इसका जो स्टाइल है वो थोड़ा सा स्ट्रेट फिट वाला है और मैंने स्पेसिफिकली बोला हुआ था भैया को कि मुझे स्ट्रेट फिट जीन्स चाहिए बिकॉज वो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है एंड आई रियली लव दिस वन। इसका जो साइज़ है वो थोड़ा सा बड़ा है मेरे साइज से, लेकिन मैं इसको कोई भी बेल्ट के साथ पेयर अप कर सकती हूँ। मुझे इसका स्टाइल काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था एंड
एंड इसकी जो क्वालिटी है वो भी बहुत ज्यादा अमेजिंग है। सो इसकी नी पे यहाँ पे रिप डिजाइन हो रखा है, इवन इसके जो बॉटम में यहाँ पे थोड़ी सी ना फ्रिंज वाला डिटेलिंग दे रखी है। एंड ओवरऑल इस पूरी जीन्स का जो स्टाइल है वो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग लग रहा है। एंड ऐसे टाइप की जीन्सेज आपको ज़ारा या H&M में 2200, 3000 ऐसे टाइप की रेंजेस में मिलेंगे। मेरे को तो स्पेसिफिकली सेल का वेट करना पड़ता है जब भी मैं चीज़ें खरीदती हूँ, आई थिंक उस टाइम पे मुझे काफ़ी अच्छी डील्स मिल जाती हैं। लेकिन अगर आप ऐसे पर्सन हो जिनको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल होती है ऑनलाइन शॉपिंग करने में, इवन अगर आपको साइज़ नहीं मिलते हैं सेल के टाइम पे, तो आप सरोजनी ज़रूर विजिट करो। आपको वहाँ पे बहुत सारी वैरायटीज़ भी देखने को मिलेगी और इतने कम प्राइस में मिल जाएगा। सो आई बॉट दिस जीन्स फॉर 200 रुपीज़ ओनली। ओके गाइस, सो दैट्स अबाउट इट। ये तो थी मेरी रीसेंट सरोजनी नगर बॉटम वेयर कलेक्शन जो मैंने आपको इस वीडियो में दिखाई थी, एंड आई रियली लव ईच एंड एवरी प्रोडक्ट। एंड सबसे बेस्ट पार्ट मुझे ये लगा कि सब कुछ मैंने 200 रुपीज़ के अंडर ही लिया है, एंड एवरीथिंग इज़ वेरी यूनिक, वेरी ट्रेंडी। मैं इसको बहुत अमेजिंगली स्टाइल कर सकती हूँ और बहुत डिफरेंट डिफरेंट लुक्स क्रिएट कर सकती हूँ इन सारे बॉटम वेयर्स के साथ। और अगर आपको ये प्रोडक्ट पसंद आए हैं तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इवन मैंने इन बॉटम वेयर्स के अलावा भी थोड़ी सी शॉपिंग करी थी सरोजनी नगर मार्केट से, जो मैंने इस वीडियो में आपको नहीं दिखाया। मुझे ऐसा लगा कि बॉटम वेयर के ऊपर ना एक स्पेसिफिक वीडियो होनी चाहिए ताकि हर किसी के लिए इजी एक्सेसिबल हो ऐसे टाइप की वीडियोस। और अगर आप चाहते हो कि मैं अपनी बाकी कलेक्शन भी दिखाऊं जो मैंने अभी रिसेंटली सरोजनी नगर मार्केट से लिए हैं इन सारे प्रोडक्ट्स के साथ, तो प्लीज आपको बस इतना करना है कि मेरे को कॉमेंट सेक्शन में बताना है, या फिर आप DM भी कर सकते हो मुझे। एंड अगर आप चाहते हो कि मैं थोड़ी फॉल कलेक्शन या फिर थोड़ी विंटर कलेक्शन निकालूं सरोजनी नगर मार्केट की, तो प्लीज आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सो या इसके साथ साथ मैं बहुत सारी स्टाइलिंग एंड हॉल वीडियोस लेकर आने वाली हूँ, सो प्लीज स्टे ट्यून फॉर दैट। एंड यार, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट द बेल आइकन, एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।